हाँ गाइस, जो आपने टाइटल और थंबनेल देख के अगर आप यहाँ पे आए हो तो आप लोग सही समझ रहे हो। बिना पीपीएफ और बिना सिरामिक कोटिंग के भी आप अपनी बाइक का पूरा केयर कर सकते हो। जैसे पीपीएफ और सिरामिक कोटिंग क्यों किया जाता है, सिरामिक कोटिंग किया जाता है माइनर स्क्रैचेस से बचने के लिए। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, माइनर स्क्रैचेस से बचने के लिए आप सिरामिक कोटिंग कराते हो। और पीपीएफ में क्या है कि वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज उसमें कुछ आती है, तो उसमें क्या है कि आपको जैसे कुछ अगर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो चलो फटाफट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप अपनी बाइक का केयर कर सकते हो जिसके आपको पीपीएफ और सिरामिक कोटिंग ना कराना पड़े। सो गाइस, पीपीएफ और जो सिरामिक कोटिंग होता है, सिरामिक कोटिंग अराउंड 6-7-8 हज़ार रुपये तक हो जाता है, जो कि बढ़िया वाला सिरामिक कोटिंग होता है। अगर आप करवा रहे हो तो 5 हज़ार से नीचे अगर आप करा रहे हो तो आपको 5 हज़ार टोटली वेस्ट है। तो कम से कम 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार तक का आपको सिरामिक कोटिंग बढ़िया आपको मिल सकता है। तो उस प्राइस रेंज में मैं आपको बताऊँ तो सिरामिक कोटिंग में क्या है कि अगर आप सिरामिक कोटिंग कराते हो तो 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये में तो गाइस आपका बाइक पूरा रिपेंट हो सकता है, फिर से कंपनी से ही रिपेंट हो जाएगा। तो आप लोगों को पेंट का उतना ध्यान रखना नहीं है, मतलब ठीक है केयर करो। मैं आपको आज की वीडियो में ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि जिससे आपका बाइक एकदम हमेशा शाइनी रहेगा और आपको मतलब पैसा भी बजट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो और रहा बात पीपीएफ का, तो पीपीएफ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कम से कम आपका एक बाइक के ऊपर 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तो पीपीएफ में लग ही जाएगा अगर आप अच्छा क्वालिटी का पीपीएफ कराते हो। क्योंकि वाइट बाइक है तो उसमें क्या है कि पीपीएफ का जो है वो येलो थोड़ा सा फेडेड टाइम के अकॉर्डिंग हो ही जाता है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ आपको अपनी बाइक का कैसे केयर करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी बाइक को पूरा अच्छे तरीके से वॉश करानी है, या आप खुद कर लो या आप जाकर वॉशिंग सेंटर में अच्छे से वॉश करवा लो, प्रेशर वॉश या नॉर्मल वॉश भी आप करवा सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ अपने से खुद से टाइम देकर बाइक को 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के अच्छे से हर एक कोने को अच्छा से साफ करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे एक नॉर्मल वॉशिंग करेंगे जो कि फोम वॉश होगा, जो कि नॉर्मल है, कोई भी शैम्पू से मैं कर रहा हूँ। आप कोई ऑटोमोबाइल शैम्पू भी ले सकते हो, मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी तक वो खरीदा नहीं है, लिया नहीं है मार्केट से। तो चलो फटाफट इसको फोम वॉश करते हैं। करना है बाइक को पूरा नॉर्मल पानी से धो लेना, जितना भी इसके ऊपर डस्ट और मिट्टी वगैरह सबको आपको हटा लेना। और ये एक फोम मशीन मैंने घर में ही बनाया, तो इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. तो आपको करना क्या है, नॉर्मली एक कपड़े से आपको पूरा बाइक को सुखा लेना है। तो चलो फटाफट इसको सुखा लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक मोट्यूल का मैंने पॉलिश मंगाया है, ये देखिए एक मोट्यूल का पॉलिश आया है। तो ये पॉलिश से क्या करना है, आपको पूरी बाइक को अच्छे से क्लीन करनी है। तो क्या है गाइस, देखो जैसे अगर आप सिरामिक कोटिंग या पीपीएफ करवाते हो तो उसमें क्या है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ये 450 रुपये का मात्र मुझे मिला है, 480 MRP है इसका। तो ये मोट्यूल का क्लीनर से तो आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हो। ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज है इसमें, इसमें डस्ट रेपेलेंट है, डस्ट इसमें आपको चिपकेगा नहीं बाइक पे। और ये यूज़ करना भी काफ़ी इजी है, बस ऐसे स्प्रे करो उसके बाद पूरा उसको वाइप करना है और पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा आपका बाइक। तो ये मंथ में आपको एक बार या दो बार ऐसे यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आपके बाइक में जो डस्ट है वो काफ़ी कम लगेगा।
तो ये आपको क्या है कि थोड़ा रिलायबल भी रहेगा, खर्चा भी इसमें कम है और बाइक क्या है कि आपका हमेशा शाइनी रहेगा। आज है नेक्स्ट डे क्योंकि कल रात को हमने बाइक को वॉश किया था, तो बाइक को ड्राई होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो पूरा ड्राई हो चुका है बाइक अभी आप देख सकते हो। और अभी ये इतना शाइनी हो गई है, मतलब कि देख सकते हो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बाइक को कोई सिरेमिक या पीपीएफ का कोई नीड है। आपको क्या है बस सिंपली केयर करते रहना अपनी बाइक का। सिंपली आपको क्या करना है, स्प्रे का नोजल खोल लेना है और उसके बाद एक स्प्रे ऐसे करना है, आपका पूरा पूरा हर जगह ये स्प्रे हो जाएगा और इसको एक मिनट के लिए छोड़ देना है, मतलब एक दो से दस सेकंड के लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक ये एब्जॉर्ब कर लेगा पेंट। और फिर इसको जेंटली रब करना है आपको पूरे पैनल पे, इससे क्या है कि ये स्मूथ हो जाता है इसका सरफेस और डस्ट जो है, डस्ट पानी या कुछ भी ऐसा मटेरियल इसके ऊपर चिपकता नहीं है और एक लेयर छोटा सा बना देता है ये। तो गाइस यहाँ इस पैनल पे मैंने पूरा पॉलिश कर दिया है और इस पैनल पे नहीं किया, तो यहाँ का आप जो स्मूथनेस है वो चेक कर लो, एकदम पूरा स्मूथ है। और यहाँ का जो है थोड़ा सा रफ है, यहाँ पे मतलब हाथ जो है थोड़ा सा रुक रहा है। और यहाँ दोनों में शाइन में भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा शाइनी एकदम है, हर पैनल पूरा अच्छा से दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा इफेक्ट है, यहाँ पे पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो यही फ़र्क है दोनों में। तो आप पूरा बॉडी को ऐसे करके पॉलिश कर सकते हो, उससे क्या है कि आपकी बाइक में एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी और एक पतला लेयर आ जाता है इसके ऊपर, जिसके ऊपर डस्ट लगने से क्या है कि आप एक बार वाइप करोगे ऐसे तो सारा डस्ट आपका चला जाएगा। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. गाइस देख लो अभी हमने इसको पूरे धूप में आके पूरा अच्छा से बफिंग कर लिया है, आप देख सकते हो शाइन इसका क्या अमेजिंग आ रहा है, मतलब शाइन तो आप बोल सकते हो कि जैसे पूरा चमक चुकी है बाइक। मतलब आपको देखो पीपीएफ और सिरेमिक करवाने के बाद भी क्या है ना कि आपको अपनी बाइक का केयर तो करना पड़ेगा, लेकिन इसको करने के बाद क्या है कि केयर आप करो, केयर तो मतलब यही केयर ही होता है गाइस। सिरेमिक के बाद भी आपको पूरा अच्छा से वैक्सिंग वगैरह करना पड़ता है ताकि आपका सिरेमिक मेंटेन रहे, और जो भी डस्ट वगैरह, आपकी नई बाइक है तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छा से इसको क्लीन करके रखोगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई BMW या कोई सुपर बाइक के लिए मैं ये टिप बता रहा हूँ, आप अपनी कोई भी बाइक, कार, साइकिल या कोई भी ऐसा पेंटेड सरफेस जहाँ पे आप ऐसा पॉलिश कर सकते हो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, वहाँ पे एकदम ऐसा ही शाइन आने वाला है गाइस। देख लो क्या मस्त चमक रहा बाइक, एक जगह से एक डॉट भी यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है और कोई भी मतलब कोई माइनर स्क्रैच भी नहीं है, देख सकते हो बाइक पूरा चमक गया। तो चलो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, और इस बाइक से रिलेटेड या और भी कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।